Alright, so this video is the further part of LGBTQ video. Yes, अगर आपने वो video नहीं देखी है इससे पहले तो पहले आप उसे देखें फिर आप इस video को देख सकते हो. So let's start it. Intro. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. तो ये सेक्शन होता है LGBTQ कम्युनिटी के लिए. गॉट इट. सेक्शन 377 ऑफ IPC. इस पर पिछले कुछ समय से डिस्प्यूट चल रहा था कि अगर सेम जेंडर्स यानी कि बॉय प्लस बॉय इजिकल टू गे, अगर ये आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो अननेचुरल सेक्स कंसीडर किया जाता था. लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन में बोला है ये कोई भी क्राइम नहीं है. यानी कि अगर दो अडल्ट्स, कोई दो बॉयज अपनी कंसेंट से, अपनी मर्जी से आपस में रिलेशन बनाएं, फिजिकल रिलेशन बनाएं, किस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, टच, बैड टच, गुड टच, तो वो कोई क्राइम नहीं होगा. गॉट इट. सिमिलरली गर्ल्स के साथ, अगर दो गर्ल्स, गर्ल प्लस गर्ल इजिकल टू लेस्बियंस, अगर वो रिलेशंस बनाते हैं तो उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, तो ये कोई भी क्राइम नहीं होगा. बट कंसेंट का बड़ा ध्यान है यहाँ पे. कंसेंट होनी चाहिए, मर्जी होनी चाहिए. अगर कोई विदाउट कंसेंट करता है किसी के साथ तो वो अननेचुरल सेक्स कंसीडर किया जाएगा. गॉट इट. लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. एक्सेप्शंस ये हैं कि जो जानवर्स होते हैं आप उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते. गॉट इट. जो बच्चे हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से नीचे हैं, वो उनके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, भले ही उनकी मर्जी हो, कुछ भी हो. सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम जेंडर्स. यानी कि सपोज कोई बॉय है 28 ईयर का और कोई बॉय है छोटा सा 17 साल का, तो ये दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते बिकॉज द सेकेंड बॉय इज बिलो देन 18 एज. भले ही उसकी मर्जी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो अननेचुरल सेक्स की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा और उस पर्सन को 7 साल तक की सजा हो सकती है. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, न्यू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो बाय.